हाँ जी गाइस, राम राम जी, राम राम। वेलकम बैक आप न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह 8 बज रहे हैं सुबह के, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हारा भाई जा रहा है टाइटू लगा के स्कूल, क्योंकि आज भाई साहब हो रखा है हमारा लास्ट पेपर, हिंदी का पेपर है हमारा बोर्ड का, तो लास्ट पेपर हो रखा है हमारा 20 तारीख से। आज से पेपर हमारे खत्म हो जाएंगे, तो आज हम चलते हैं स्कूल। और भाई साहब हम आज होने वाली है स्कूल में होली, क्योंकि 24 तारीख की होली है, और होली के बिना पेपर एंड हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो होली होने वाली है आज स्कूल में, बहुत तबाही वाली। तो दिखाते हैं आपको सारा सीन सिस्टम के साथ फुल। और भाई साहब तुम लाइक आए कर देना वीडियो को। तो चलते हैं फटाफट स्कूल। और अभी 8 करीब बज रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। तो अभी 10:45 की एंट्री होती है और 11 बजे का पेपर होता है। मंजीत भाई लेके आ रहे हैं बाइक, तो बाइक से चलेंगे आज हम, बस से नहीं जा रहे हैं। तो फटाफट चलते हैं स्कूल और सीधा मिलते हैं आपको पेपर खत्म होने के बाद। पीपल कोई वालो। तो गाइस अभी वहां गए अपने स्कूल में, फटाफट चलते हैं पेपर पर लेते हैं। पेपर कितने घंटे का बन जाए? तीन घंटे का पेपर है भाई साहब आज। हिंदी का पेपर है, 3 घंटे का, ज्यादा लिखने को आता। हाँ, तो चलते हैं अभी हम अपने पेपर पेपर लिखते हैं जल्दी फटाफट। 3 घंटे का पेपर सिस्टम है गति। चलो भैया आज चले, चलो चलो 3 घंटे बाद मिलते हैं आपसे। होली का सिस्टम है, दिखाते हैं आपको पूरा। तो भाई होली चेक कर सकते हो तुम। होली होली देख सकते हो तुम, रंग नहीं है भाई साहब, आए कर रहे हैं। और मंजे तो भाई वहाँ खड़े हुए बाइक लेके, वाह जी वाह, ये देखो। और हम क्यों सूखे बैठे हुए हैं? क्योंकि हमारे एलविजा भाई बंद हो गए, ठीक है। हम होली होली नहीं मनाते हैं, हमारे एलविजा छूट गए। आईफोन सूखे खड़े, सूखे कैसी होली है जा तुम्हारी? तो गाइस अभी स्कूल से आ चुका हूँ मैं, और काफ़ी देर हो गई है आए हुए वैसे। और अभी जा रहा है तुम्हारा भाई शॉपिंग करने के लिए, कपड़े थोड़े बहुत लाने हैं क्योंकि होली आ रही है जैसा कि तुमको पता है। तो कपड़े लेके आते हैं होली के लिए, और एकदम एक नंबर कपड़े लेके आएंगे, तुमको भी दिखाएंगे कैसे क्या कपड़े लाए हैं। तो चलते हैं भाई साहब, फरुखाबाद में जा रहा हूँ कपड़े लेने के लिए। तो भाई साहब तुम्हारा भाई शॉपिंग पे, ठीक है भाई। लच्छी देख ली भाई साहब, एक शर्ट ले ली तुम्हारे भाई ने, अभी देख रहे हैं थोड़ा और डिसाइड कर रहे हैं क्या चाहिए। और देखो कौन तो बढ़िया है, अरे फॉग वॉग ना है को बढ़िया देखो। तो ऐसा उत्कर्ष भाई तो कितने को, और बवाली देखो कोई बढ़िया लग्जरी वो साड़ी, लग्जरी वाली फॉग तो नहीं, फॉग तो रखो। तो गाइस अभी हम आ गए अपने शॉपिंग वॉपिंग करके, और भाई साहब ले लिया हमने बहुत ज़्यादा सामान, बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा हो गया आज तो। और अभी भाई हम घर पे आ गए, हमने सारा अपना सेट वेट चेंज कर ली अपने पूरा घर वाले अंदाज में वापस। तुम्हारा भाई और भाई साहब तुम्हारी और मेरी मम्मी किधर गई थी शॉपिंग करने? मैं गया था फरुखाबाद, मेरी मम्मी गई थी कायमगंज, सीधा उल्टा उल्टा गए थे, मम्मी गई थी इधर, मैं गया था इधर, समझ रहे हो। तुम्हारे भाई क्योंकि तुम्हारे भाई कायमगंज कपड़े जाएंगी शॉपिंग करने, अभी भी तैयार खड़ी हुई है। और भाई साहब इतना कुछ लेके आए हम, इतना कुछ लेके आइए, देख रहे हो इतना कुछ सारा लेके आए, कपड़ा ये देख सकते हो भाई तुम, बहुत मोटा खर्चा करके आए भाई, तुम्हें क्या बताएं आज। ये भाई साहब कपड़े दिखा दें मुझे बैक कैमरे करके, ठीक है। ये देख सकते हो भाई साहब तुमको कपड़े, रॉयल कलेक्शन वालों से कपड़े लेके आए हैं, ये कायमगंज में है किसके, श्यामा गेट के पास। ये देख सकते हो भाई साहब कायमगंज, ये हमारे चाचा की दुकान है रॉयल कलेक्शन। और हम गए थे अपने लिए फरुखाबाद से लेने कपड़े। तो भाई साहब कपड़े वपड़े आ गए होली के लिए, और तुमको अगर वीडियो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना एम भी। और अभी चलते हैं भाई साहब, थोड़ा काम है मुझे, दुकान वकान भी चलते हैं अपना, और फिर आपको दिखाते हैं पूरा सीन। तो अपने कपड़े वपड़े सारे आ गए हैं, और
चलते हैं भाई साहब सीधे दुकान पे। गाइस हमारे विकास भाई तुम जानते ही होगे, नई दुकान खोल ली हमारे विकास भाई ने। कौन सी दुकान पे आइए, इनकी दुकान पे आइए, इनकी दुकान पे देसी हो जाओ, इनकी दुकान को तुम्हारे भाई के लिए विजिट कीजिए। क्या क्या बेचते हो भाई एक बार बता दो जरा। छोले बतूले भाई हमारा शर्मा रहा है बहुत ज्यादा, बतूले पहली बार कैमरा फेस किया है भाई ने। और क्या क्या बेचते भाई? छोले भटूरे भटूरे बेचते हैं, एक बार जरूर विजिट करना भाई की दुकान, एक नंबर है भाई साहब। क्वालिटी भी देखो, सामान लेके आया भाई स्पेशल तुम्हारे भाई के लिए बस, लेकिन 40 रुपए एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज देने पड़ेंगे। तुम अपना भाई का नाम ले दोगे, एक रुपया नहीं पड़ेगा। यहाँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई, एक बार खा ले हैं फिर आपसे मिलते हैं। जो दिखा दो मीडी, अरे शर्मा मत, इतनी शाइटिंग नहीं छोड़ गई है तो तुम ऐसे देख रही हो।